हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर्ट के सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो में फ्रेंड में ये बताऊंगा, यानी कि मेरे पास एक भाई का कमेंट आया है, यानी कि वो गुरपिंदर सिंह भाई हैं और वो ये पता कर रहे हैं, यानी कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी बजाज पल्सर न्यू मॉडल चेन पॉकेट किट की, यानी कि उसको प्राइस उस वीडियो में जो मैंने बताया था प्राइस बताया था और अनबॉक्सिंग करके क्वालिटी दिखाई थी, रोन गोल्ड का चेन सेट था, ठीक है फ्रेंड। उस वीडियो पर कमेंट आया फ्रेंड के, ब्रदर ये चेन सेट स्टार सिटी में डाल सकते हैं क्या? तो फ्रेंड आप हिसाब लगाइए कि यानी कि बजाज बाइक का चेन पॉकेट टीबीएस की बाइक में कैसे फिट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना फ्रेंड। देखो ये बिल्कुल बेकार बात है, कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। पहली बात तो कुछ भी फिट नहीं होगा, ना पिछला पॉकेट फिट होगा, ना चेन फिट होगी, ना अगला पॉकेट गियर फिट होगा, ठीक है फ्रेंड। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यानी कि वो जो बजाज पल्सर का जो चेन पॉकेट होता है, उसका जो पिछला पॉकेट होता है उसकी हब का डिजाइन अलग होता है, यानी कि स्टार सिटी की जो हब का डिजाइन होता है वो अलग होता है और काफी हल्के भी होता है स्टार सिटी का, ठीक है फ्रेंड। और जो पल्सर का होता है काफी भारी और वेटेड होता है वो, और स्टार सिटी का हल्का होता है, ठीक है फ्रेंड। बात रही चेन की, चेन भी काफी मोटी होती है पल्सर की, और स्टार सिटी की जो होती है वो काफी पतली होती है पल्सर के मुकाबले पे, ठीक है फ्रेंड। अब बात हुई अगला स्पोकेट की, अगला स्पोकेट का जो गियर होता है, यानी कि जो अगला स्पोकेट का गियर होता है बजाज पल्सर का, तो उसमें जो साफड़ होती है ना, साफड़ जहां पर वो फिट होता है तो काफी मोटी साफड़ होती है, और स्टार सिटी की जो होती है साफड़ वो काफी पतली साफड़ होती है, तो कोई भी चीज नहीं आ सकती बजाज पल्सर की, ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ गए होंगे गुरपिंदर सिंह भाई, यानी कि बजाज पल्सर का चेन स्पोकेट स्टार सिटी में फिट नहीं हो सकता, ओके फ्रेंड। और देखो मेरे चैनल पे और भी कई मैकेनिक भाई हैं और वो भी काफी वीडियो देखते हैं, तो फ्रेंड आप भी ऐसी गलती ना करना, वो कभी भी मत एडजस्टमेंट करना, यानी कि कभी भी स्टार सिटी में कभी भी बजाज पल्सर यानी बजाज पल्सर का चेन पॉकेट डालने की कोशिश मत करना, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि फिटिंग होगी नहीं, कुछ फायदा थोड़ी है, यानी माना कि रेफर खोल दिया हमने और फिर बात हम फिट करते हैं तो फिर क्या फायदा फ्रेंड के, फिट होगा ही नहीं और हम रेफर भी खोल देंगे फिर थोड़ी, यानी कि जब हम बेचते हैं या फिर कोई भी कस्टमर आता है तो फिर एकदम उसको वो कहता है यूज हुआ है, मतलब ऐसा सीन नहीं, मतलब ऐसा सही नहीं रहता। तो इसलिए फ्रेंड आप जो हो, यानी कि आप जब कभी भी अगर स्टार सिटी में या फिर बजाज पल्सर में चेन स्पोकेट डालते हो, बजाज पल्सर में या फिर स्टार सिटी में, तो आप हमेशा उसी गाड़ी का स्पेशल चेन स्पोकेट लाना, यानी कि बजाज पल्सर का, ठीक है। बजाज पल्सर में अगर फिट करते हो बजाज पल्सर का, और स्टार सिटी में अगर फिट करते हो तो स्टार सिटी का, ठीक है फ्रेंड। बाकी मैं किट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो और कौन सी गाड़ी में कौन सी किट नंबर आएगी, यानी रोलन का जो किट नंबर होता है स्टार सिटी में, मैं वो डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। बजाज पल्सर का जो होता है उस वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ठीक है फिर। गुरपिंदर सिंह भाई आप ऐसी गलती मत करना, कभी भी कोशिश भी मत करना बजाज पल्सर का स्टार सिटी में फिट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी वाई कंपनी में देखो, माना कि बजाज की गाड़ी बजाज पल्सर है और बजाज के मॉडल में फिट हो सकता है चेन स्पोकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है फ्रेंड। टीबीएस की गाड़ी में फिट नहीं हो सकता, ना हीरो की गाड़ी में फिट होगा, ना होंडा की गाड़ी में फिट होगा, ठीक है फ्रेंड। यानी कि कंपनी वाई कंपनी की गाड़ी जो होती है उनमें फिट हो सकता है फिलहाल, और अगर किसी कंपनी की बाइक में नहीं फिट होगा तो, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी और फिर मिलता हूँ नई वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और आपके लिए ही मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ जो आपको थोड़ी मदद मिल सके, थोड़ी हेल्प मिल सके और प्रॉब्लम एकदम सोल्व कर सके और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।